गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैंने जो गमले लिए थे, मतलब पौधे लिए थे कुछ दिन पहले, तो कल एक गमले वाला आया था तो उससे गमले लिए। ये सारे पौधे अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इसमें। तो ये जो बड़े वाले पौधे थे वो तो थोड़े बड़े गमलों में किए हैं, 10 इंच वालों में। और जो ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये तो मैंने जो प्लास्टिक वाले गमले थे इन वाले पाम वाले पौधों में से निकले हैं, एरिका पाम वालों में से, वही मैंने उन्हीं में इनको कर रख दिया है। क्योंकि ये छोटे हैं तो इन्हें अभी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। और बारिश आने वाली है तो बारिश आने से पहले ये काम हो जाएगा, फिर मैं इनमें बारिश का पानी दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और आप जब भी बारिश आए अपने पौधों में ना, थोड़ा सा बारिश का पानी ज़रूर दें, अगर आपने अंदर भी रख रखे हैं। और ये कुछ मैं कलम लगा रही हूँ, मैं घर गई थी तो वहाँ से कुछ कलम लेके आई थी इन्हें भी। ये अब अच्छे बारिश का मौसम है तो ये अच्छी ग्रोथ हो करेंगी। और देखो बारिश कितनी बेहतरीन हो रही है जी, खुश कर दिया प्रभु ने बारिश करके आज। और आप देख सकते हैं कितना जली जल कर दिया है एकदम से भगवान जी ने। और मैं बारिश शुरू होते ही मैंने अपने सारे पौधों को बाहर रखा। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो थोड़ी ही बारिश बर्दाश्त करते हैं, तो मैंने कुछ जिन्होंने बारिश का पानी पी लिया वो अंदर रख दिया, और अंदर से कुछ उठा कर बाहर रख दिए हैं। ऐसे ही मैं जो अंदर जीने में भी मेरे थोड़े से पौधे रखे हैं उन्हें भी बारिश का पानी थोड़ा सा दूंगी, तो उन्हें मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दूंगी, जिससे वो थोड़ा बारिश का पानी ले लेंगे और अच्छे से पी लेंगे। तो फिर मैं इन्हें उठा के इन्हें अंदर रख दूंगी। ऐसे ही मैंने सारे ही गमले जो अंदर रखे थे वो सब बारिश में रखे, और इसी चक्कर में मैं भीग गई तो मैंने सोचा चलो नहा भी लेते हैं, तो दोनों ही काम हो गए, पौधों की देखरेख भी होगी और बारिश में नहाना भी हो गया। और छत पे इतना पानी भर गया, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, जितना बारिश के लिए तरस रहे थे उतनी ही अच्छी बारिश हुई है। और जो पौधे ज़्यादा लंबे हो रखे हैं वो बारिश के वजन से ना थोड़ा गिर रहे थे, तो मुझे उनका देखना पड़ रहा था कि कभी टूट ना जाए, तो इसीलिए कुछ तो मैं ज़्यादा इसीलिए छत पे थी कि पौधों का नुकसान ना हो जाए, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है पौधों से। अब बस इन्हीं में लगी रही मैं 1-1.5 घंटा, किसी को अंदर किसी को बाहर, ऐसे ही करती रही बार बार। लेकिन मन खुश हो गया, पौधे भी इतने मतलब पानी पी के ना तृप्त हो गए हैं, बिल्कुल सूखे पड़े थे। कितना भी आप पानी दे लो इसमें, रोज़ मैं छिड़कती थी पानी इन पर, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना बारिश के पानी से अच्छा होता है। और अभी आधा घंटा हो गया है देखो बारिश के लिए, और इतना तेज़ी से पानी पड़ रहा है कि निकासी जो है पानी की वो छोटी पड़ गई है, और ये पानी ना अपनी जगह खुद बना लेता है। तो इस तरह ये दहलीज क्रॉस करके जिन्ने में से बह रहा है सारा, और पूरे जिन्ने में गैलरी में सब में पानी पानी हो गया है। और अभी देखो आप ये कहाँ तक इतना पानी पानी हो रहा है सारे में। और अभी मैं जो ये गमले मैंने बाहर रखे थे सब ने अच्छे से पानी पी लिया, भर गए हैं सब पानी से, तो इन्हें मैं वापस इन्हीं की जगह रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है। और थोड़ी देर बाद ये सब इनका जो ड्रेनेज होल में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, अब फिर यहाँ पर सफाई वगैरह कर देंगे। तो पानी वाकई में ही बहुत पड़ रहा है, अच्छी तेज़ बारिश हुई है, पहली बारिश है लेकिन अच्छी हुई है। मन खुश हो गया, पौधे भी खुश हो गए हैं एकदम।
की बेहतरीन बारिश हो गई है, बहुत बहुत अच्छी बारिश हुई है। जितना तरस रहे थे ना बारिश के लिए, उतनी ही बेहतरीन बारिश हुई है। और मैं तो फुल बारिश में नहाई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे बारिश, बारिश आए बारिश, तो आज आई है। तो अच्छे से अपने पौधों को भी नहला दिया सबको, और खुद भी नहाई हूँ। अब काम वाम ख़त्म करके सारा पायल गई है कॉलेज, और मैंने बनाई अपने लिए चाय। लीजिए आप भी पी लीजिए, बहुत बेहतरीन कलर है, बिल्कुल गोल्डन कलर चाय का। सब तो आपने एंजॉय करी बारिश या नहीं? भाई मैंने बहुत एंजॉय करी। और जिस सिंदारे के लिए लाई हूँ कुछ साड़ियाँ दीदी अर के लिए, कल लेके आई थी, तो देखिए आप भी कैसी लाई हूँ साड़ियाँ। और बस मैं आपको साड़ियाँ ही दिखा रही हूँ, और तो उनके साथ जो भी कपड़े वगैरह जाते हैं या मिठाइयाँ वगैरह जाते हैं उसका क्या दिखाना, वो तो सबको पता ही है कि क्या क्या जाता है। तो बस मैं साड़ियाँ लाई थी, मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब देखिए आप थोड़ा सा मैं क्या लाई हूँ। ये कॉटन का कपड़ा है, और ये बॉर्डर है इसमें, ऐसा ही ब्लाउज है, और ये पूरे कपड़े में मतलब पूरी साड़ी में ऐसा है, ये लाइनिंग है हल्की हल्की सी सेल्फ में ही, बहुत सुंदर साड़ी है। और एक दीदी के लिए तो ये है, और मैं सेम ही लाती हूँ तीनों के लिए, मतलब एक ही जैसे कपड़े की तीन कलर ले आती हूँ, तो ये नहीं होता कि भाई मेरी अच्छी है या उसकी ऐसी है, एक कलर ये है ग्रीन वाला, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप बॉर्डर पल्लू सेम ब्लाउज है, ऐसा ही वर्क वाला ही, मतलब वीविंग में है ये, इसका जो भी वर्क है थ्रेड वर्क। और ये लाई हूँ एक ब्लैक, वेट 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 देखो, ये सेम कपड़ा है, ब्लैक कलर है इसका, इस ये है बॉर्डर है, और सेम ब्लाउज है, सेम पल्लू है इसका भी, ठीक है। ये तो है तीज के लिए, तीज पे जो देनी है दीदी की कोतली उसके लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड बंद हो जाएंगे फिर, तो इसलिए हम पहले ही दे देंगे। और इसमें है उनकी चूड़ियाँ वगैरह हैं तीनों की चूड़ियाँ, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ खोल के, बहुत सारा सामान है, मेहंदी वगैरह नेल पेंट वगैरह सब ये रखा है इधर, इसमें बॉक्स में रखा है सारा सामान। और ये मैं लाई हूँ साड़ियाँ राखी के लिए, मैं मार्केट गई थी तो दोनों ही मतलब दोनों काम एक साथ ही करके ले आई हूँ मैं। ये देखो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी साड़ी है, कलर देखो कितना फाइन, और गर्मियों के ही मतलब की हैं बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ी है, कॉटन में है ये। तीन ही मैं ये लाई हूँ दीदी के लिए, तीनों के लिए एक एक कलर, तीनों के बहुत बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर लाजवाब कलर हैं, है ना कितनी प्यारी। और ये वाला कलर भी बहुत अच्छा है, देखो ये कलर भी कितना मस्त है, कलर मुझे देखते ही तीनों पसंद आ गए, आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर हैं तीनों, देखो ये तीनों राखी पे दी जाएंगी दीदी हर को जब दीदी हर आएंगी। और ये वाली अब उनकी तीज की कोतली पे जाएंगी तीनों। और ऐसा है कि भाई कोतली अब जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे मैं दे दूंगी, क्योंकि फिर हमारे यहाँ होता क्या है रास्ते बंद हो जाते हैं कावड़ की वजह से, तो जा नहीं पाते हैं इसलिए जल्दी जल्दी, तो अभी मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, और तब तक मैं जब भी जिसका मौका लगेगा तब दे दूंगी। तो बस यही था शॉपिंग जो आपको दिखानी थी। और एक मैं कपड़ा लाई हूँ, ये देखो रेड वेलवेट का कपड़ा लाई हूँ, देख सकते हैं आप। और इससे मैं एक बहुत ही सुंदर चीज बनाऊंगी, ये वेलवेट है हाँ, इससे मैं एक सुंदर चीज बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाने वाली हूँ मैं, इससे इसे लेके आई हूँ मैं।
तो जी ये है थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने दीदी हर के लिए की है उनकी कोतलियों पर देने के लिए। और भाई जितना भी बन पाता है हमसे कोशिश करते हैं कि त्यौहार पर खड़े रहें दीदी हर के साथ, क्योंकि त्यौहार जब आते हैं ना तो लड़कियां इंतज़ार करती हैं कि हमारे घर से कोई आएगा। देखो लेने देने से कुछ नहीं होता, सबके पास सब कुछ है आज की डेट में, भगवान ने सबको सब कुछ दे रखा है, सब संपन्न है अपने घर में। लेकिन जो हमारे बड़ों ने रीति रिवाज बनाए हैं कोशिश करनी चाहिए हमें उन्हें निभाने की। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है तो थोड़ा ही सही, लेकिन बेटियों का मान होना चाहिए। बस यही कोशिश करते हैं कि उनका मान हमेशा बना रहे, और जब तक हम हैं जब तक तो बना ही रहे। कोशिश करेंगे आगे तक बच्चों को भी ऐसा ही सिखाएं कि वो अपने बड़ों का, बुआओं का, बहनों का, सबका आदर करें, सम्मान करें, उनका मान करें। बस जो मैं लाइव में आपको दिखा दिया। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।